क्या है इस चैप्टर में बहुत ही इजी चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है तो स्टार्ट करते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मी टेल यू गाइज की वेदांतु जो है विदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% परसेंट डिस्काउंट दे रहा है फॉर फोर्टींथ फिफ्टींथ एंड सिक्स अगस्त अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है अगर अभी भी आपका ऐसे हो रहा है कि ले या ना ले मैम तो मी टेल यू बचा लो ले लो क्योंकि इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा एंड अवे दिस अपॉर्चुनिटी ग्राफ दिस अपॉर्चुनिटी तो क्या है ये सारी प्रॉब्लम जो भी आप फेस करते हो विदांतु प्रो को लेने से ये सारी आपकी रिजोल्व हो जाएंगी जी हाँ डाउट्स हमारे इन क्लास सॉल्विंग होती है बेटा क्लास के अंदर एक क्लास टीचर होता है जो पढ़ा रहे होते हैं एक दो तीन क्लास टीचर्स और होते हैं जो सिर्फ आपके डाउट्स लेने के लिए बैठे होते हैं अगर नोट्स की बात करें तो टीचर जो भी लिखता है जो भी पीपीटी पे या स्क्रीन पे लिखेगा दैट इज रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स आफ्टर द सेशन इंस्टेंटली राइट right? उसके बाद जो टेस्ट एंड असाइनमेंट्स की बात करें तो रेगुलर टेस्ट रहते हैं हमारे ठीक है कोई चैप्टर फिनिश हुआ तो उसका टेस्ट हो जाएगा असाइनमेंट तो आपको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको देन अगर बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी चलती है हमारे बहुत सारे बैचेस हैं जिनमें ओलंपिया की पर्टिकुलरली तैयारी करवाई जाती है तो जो बच्चे वो करना चाहते हैं वो भी देखो इसी में इंक्लूड हो रहा है आपका सब कुछ देन शेड्यूल आपके अकॉर्डिंग होगा आप जब पढ़ना चाहते हैं आपको तभी पढ़ाया जाएगा कोई जबरदस्ती नहीं है कि इतने बजे क्लास है तो इतने बजे लगाना है यू कैन चेंज योर टाइमिंग राइट

दोबारा तो से पढ़ो रिवाइज करो एंड कर लो सारे क्वेश्चंस ठीक है क्रैश कोर्सेज अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक ही गो में करनी है तो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद क्रैश कोर्सेज जी हाँ ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है एक बार आप ये वेदांतु प्रो का मेंबरशिप लेते हो तो ये बोनसेस आपके लिए मिलते ही साइड पे आपको सब कुछ मिलेगा प्रोवाइड किया जाएगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बताई जाएंगी कहाँ पे वीक कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कहां पे यू नीड टू वर्क ऑन राइट एंड पर्सनल अटेंशन तो मिलती ही है आपको पर्टिकुलर आपको पर्सनल अपना मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो आपके पास काउंसलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी ये तो आप लोगों की नीड्स का आप लोगों की हर चीज का ध्यान रखा जाता है वेदांतों पर ठीक है तो येस yes, करना क्या होगा यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक चूज योर ग्रेड

तो बहुत मजेदार क्लासेज है हाँ जैसे मेंटी करते हो आप यहाँ पर यूट्यूब पे चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार हम मेंटी करते हैं राइट तो वहां पे हर सेशन में देखो जितने में एक मेंटी काइंड ऑफ क्विज रहता है आपका राइट एंड लास्ट में आपको लीडर बोर्ड भी दिखाया जाता है तो इट इज इट इज अट ऑफ फन ये टीचिंग एंड स्टिंग एट दैट प्लेटफॉर्म इज रियली रियॉट ऑफ फन तो देर इज अ वन मंथ प्लान तो आपको भूलना क्या नहीं है कि ये ए डी के प्रो कूपन कोड लगाना नहीं भूलना इससे आपको इंस्टेंट अभी क्योंकि 50 परसेंट चल रहा है तो अगर आज की आज आप ले लेते हो तो आपको 50 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा यस यस ठीक है तो मैक्सिमम यू कैन अवेल अप टू राइट सो चाहे थ्री मंथस का ले लो चाहे सिक्स मंथ्स का ले लो अब देखो जैसे सिक्स मंथ्स का पहले हमारा मैं बता दी थी कि सिक्स मंथ्स का लेते हो ना जब कंबाइंड पैकेज लेते हो तो पर मंथ कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है सिंस अब डिस्काउंट है तो देखो और भी रिड्यूस हो जाएगा तो उतने अमाउंट में आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैथ्स किया जा रहा है साइंस किया जा रहा है एस किया जा रहा है इंग्लिश किया जा रहा है इवन साइंस में भी मैं अगर आपको बताऊं फिजिक्स विल बी टेकन बाय डिफरेंट टीचर केमिस्ट्री विल बी टेकन बाय डिफरेंट टीचर एंड बायोलॉजी बाय डिफरेंट टीचर यस तो मतलब एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे है यस ठीक है जो जो टीचर जिस जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो ध्यान दिया जाता है कि वही आपको पढ़ाए यस yes, तो वाई डोंट यू गाइस

तो अगर मैं आपको बताऊं बेने वो यू लुक अराउंड यूर सेल्फ यू कैन सी अ लॉट ऑफ पैटर्न इजेंट इट बहुत सारे पैटर्न हैं आप देख लो जैसे पेटल्स होते हैं पेटल्स भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं फ्लावर्स में जो लगे होते हैं वो उनका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है राइट right? आप हनीकूम की बात कर लो तो वो भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटिफुल पैटर्न होता है मतलब

सॉरी दस दिन का निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 into 10 तो तो आ जाएगा फर्स्ट तो डे में उसके पास कितने पैसे आएंगे हंड्रेड उसके पास ऑलरेडी थे तो फाइव रुपीज उसके पेरेंट्स ने डाल दिए चलो फाइव रुपीज उसका और एड हो गया तो कितने हो गए हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड एंड फाइव सेकेंड डे उसके पास कितने आ जाएंगे फाइव और एड हो चुके हैं हंड्रेड एंड टेन थर्ड डे में कितने आ जाएंगे हंड्रेड एंड फिफ्टीन डे में कितने आ जाएंगे क्या आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे देखो फाइव की एडिशन हो रही है फिर से फाइव ऐड किया फिर से फाइव ऐड किया मतलब हम कुछ कॉन्स्टेंट अमाउंट जो है ऐड कर रहे हैं तो इसको अभी अपने दिमाग में ऐसे फिट करके रखो इसको इसको अभी भूल जाओ एंड सोचो ठीक है देखो और देखते हैं चलो पिछले एग्जाम्पल को भूलो ये वाला देखो लेट अस सी सम मोर पैटर्न्स टू डे टू डे लाइफ देखो यहाँ पे एक पैटर्न वन है यहाँ पे एक मेरे पास स्क्वायर है या बॉक्स बोल लो उसके बाद इसकी हेल्प से हमने ये वाला पैटर्न फॉर्म कर दिया कुछ ऐसी शेप अब इसकी हेल्प से वी आर फॉर्मिंग दिस पैटर्न तो देखो इसमें ये वाला पैटर्न यहाँ पर है फिर से ये वाला पैटर्न यहाँ पर है और ये वाला यहां पर है इट तो यहाँ पे इस, इसकी हेल्प से ये पैटर्न बना इसकी हेल्प से ये पैटर्न बना है ना तो हम क्या करें एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जंप कर रहे हैं पिछले वाले पैटर्न की हेल्प से राइट अब ये वाले एग्जाम्पल में देखो यहां पर क्या है यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है पे 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 वन बॉक, वन बॉक्स था, यहां पे तू बॉक्स था टू है यहां पे थ्री है यहां पे फोर है थ्री फोर फाइव तो इज यूनिफॉर्म इंक्रीज ऑफ वन इन ईच ऑफ दीज केसेज राइट यस और यहाँ पर भी देखो अगर आप यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है इन द स्टॉक ऑफ कॉइन्स यहाँ पर हमारे पास टू थे यहाँ पर क्या है थ्री एड हो चुके हैं यहाँ पे और थ्री एड कर दिए देखो यहाँ पे 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 हमने 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 किया 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 फिर फिर तो मतलब हो 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 रहा 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 है 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 ये red वाले हम three, three हर बार क्या कर रहे रहे हैं हैं में करते रह ना तो तो पर भी कुछ increase हो रहा है, कुछ progress हो रही है, कुछ रही तो अब क्या आप वो वर्ड को रिलेट कर पाते हो अब देखो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो अरिथमेटिक को बाद में देखते हैं पहले प्रोग्रेशन वर्ड्स हम लोग का मतलब बढ़ना प्रोग्रेस करना ठीक है तो देखो यहां पर भी प्रोग्रेशन हो रहा है चलो इसकी बात कर लेते हैं द साइज ऑफ अ लेडर स्टेप्स डिक्रीजेस बाय टेन सेंटीमीटर अब ये लेडर है हमें पता है कि जो सीढ़ी होती है वो ऐसी होती है एक एक स्टेप जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहते हैं उसका जो लेंथ है ना यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता रहता है इट तो ये देखो ये छोटा 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 होता रह, जा रहा है तो मतलब बेसिकली ये 10 सेंटीमीटर एज वी गो अप ईच स्टेप डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी कुछ यूनिफॉर्म डिक्रीज चल रहा है, है ना जब जैसे जैसे हम ऊपर 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 जा रहे हैं राइट तो हमारे पास बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी हो रहे हैं मैं अभी आपको क्या समझा रही हूँ कि आप जितना भी अपने आसपास देखोगे अपने रियल लाइफ में इधर उधर देखते हो तो आप बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व करते हो ठीक है अब जियोमेट्रिकल पैटर्न की बात करें ये भी एक तरह का पैटर्न है ये भी पैटर्न है आपके पास ये भी एक पैटर्न है है ना सो वी कैन हैव लॉर्ड ऑफ पैटर्न अराउंड ये देख लो यहाँ पे फोर थे यहाँ पे देखो ये टू है यहाँ पे ये कितने हो गए वन टू थ्री हो गए यहाँ पर फोर हो चुके हैं फाइव हो चुके हैं सिक्स हो चुके हैं यहाँ पे सडनली एक एक एक-एक इंक्रीज कर रहे हैं ये है ना तो कितना सही पैटर्न बन रहा है देखो तो यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है इसमें भी है ना तो देखो तो इन सभी पैटर्न के बारे में क्या स्पेशल है मुझे ये बताओ देखो जो भी हम चेंज कर रहे थे द चेंज इन द अमाउंट या तो कुछ अमाउंट में कुछ चेंज हो रहा था कुछ प्लस थ्री रहे थे कभी हम प्लस टू रहे थे या कभी हम माइनस टेन रहे थे है ना ऐसा कुछ कर रहे थे ना या फिर कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होता है द चेंज इन अमाउंट एंड द जियोमेट्री इज फिक्स अब कुछ वो जो चेंज है वो हमने फिक्स कर दिया था अब ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी दिखाए उसमें कुछ ज्योमेट्री फिक्स होगी जैसे हमने वो स्क्वायर वाला केस देखा फिर ये पेटल्स वाला केस देखा है ना तो इसमें भी है मतलब जब कोई चीज़ फ़िक्स्ड अमाउंट से बढ़ती है ना तो उसको स्टडी करना बहुत सिंपल हो जाता है, right? तो उसको ड्रॉ करना हम एक के की बात करेंगे देखो देर आर नंबर ऑफ प्रोग्रेशन इन आर नेचर दैट एक्ट राइट बट इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हाउ टू फाइंड एनी गिवन जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन एंड हाउ टू फाइंड मतलब

एक तो ये सीरीज आप ऑब्जर्व करो एक मैं अगर आपके पास सीरीज ले लू ये वाली वन टू फोर एट सिक्सटीन तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय टू यहां पर फिर मल्टीप्लीकेशन बाय टू है है? ना? तो तो अगर हम ये 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 की बात करें, तो arithmetic में बेटा क्या आ जाता मतलब मेरे सारे अरिथमेटिक होते हैं ना? तो इसमें क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सिर्फ बात करेंगे एडिशन की एंड सब्ट की जो मैंने ये वाला केस बताया दिस इज बेसिकली कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन तो इसको जी बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं तो अब आपको समझ में आएगा अगर कोई कॉन्स्टेंट टर्म

जो है डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे सो दिस डिक्रीज और इंक्रीज इज फिक्स्ड ठीक है तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है जी समझ में आया तो फिक्स्ड इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो जो ये फिक्स्ड की बात कर रहे हैं ना ये जो फिक्स्ड इंक्रीज या फिर ये फिक्स्ड डिक्रीज हो रहा है बच्चा लोग इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से समझ में आया यहां तक तो ये जो फिक्स्ड इंक्रीज को वी कॉल इट कॉमन डिफरेंस एंड आप मुझे अब बता सकते हो कि ये कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकाल सकते हैं अगर मैं सेकेंड वाली टर्म से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करूं तो सिक्स आ रहा है ये थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करूं तो सिक्स आ रहा है तो मतलब अगली वाली टर्म जो सक्सेडिंग टर्म है जो नेक्स्ट वाली टर्म है उससे अगर मैं प्रिसीडिंग टर्म को माइनस कर दू तो आई विल ऑलवेज गेट अ कॉन्स्टेंट अपना कॉन्स्टेंट जो है uh, डिफरेंस या फिर इसको आप कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हो तो जो कांस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज आपका कैसे आता है सक्सेसिव टर्म में से जो है जो पिछले वाली प्रिसीडिंग टर्म को जब आप माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है कॉमन डिफरेंस आ जाता है समझ में आई बात इजी कॉन्सेप्ट है ये तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं अब हम फर्स्ट टर्म को मेरे पास कोई सीरीज है तो उसमें मैंने फर्स्ट टर्म को क्या बोल दिया ए वन सेकेंड टर्म को मैंने नाम दे दिया ए टू एंड थर्ड टर्म को दे दिया ए थ्री एंड लास्ट में जब तक एन तक जा रहा है तब मैंने उसको बोल दिया ए एन तो एन को हम बोलेंगे इसको हम बोलते हैं एनथ टर्म ऑफ एन एपी क्या बोलेंगे इसको एनथर्म ठीक है ये बोलने का तरीका है जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म क्योंकि A1 है दिस दिस इज इज टर्म 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 थर्ड जिसे पे बोलेंगे इसको राइट right? उसके बाद देखो एक ये चीज बहुत जरूरी है इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसे लिखी तो ये देखो इन्होंने कैसे लिखा ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी अब ऐसे क्यों लिखा देखो हमने एक पैटर्न देखा था मैंने आपको एक पैटर्न बताया था वन का फिर हमने टू ऐड किया है ना हम ऐसे ऐसे टू ऐड करते चले इसमें राइट right? तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है ठीक है ऐसे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है है कि नहीं अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो यहां पे हो क्या रहा है ये जो है फर्स्ट टर्म है इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं तो यहां पर मेरा ए क्या हो गया वन ठीक है दिस इज माई फर्स्ट टर्म उसके बाद क्या हुआ डी क्या है बच्चा डी मैंने आपको बताया वो होता है कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख रही हूं आपको बताने के लिए वन थ्री फाइव सेवन देन नाइन ठीक है तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इसको फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए ए क्या होता है बच्चा हमारा होता है फर्स्ट टर्म ठीक है उसके बाद कॉमन डिफरेंस कैसे निकालने को बोला था जो पिछली वाली टर्म है उससे जो अगली टर्म है उससे पिछली टर्म को माइनस कर दो मतलब अगर मैं वन करूं तो टू वाला मेरे पास ये टू क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस डी है ना तो मतलब यहां पर भी टू का डिफरेंस है यहां पर भी टू का डिफरेंस है यहां पर भी टू का है यहां पर भी टू का डिफरेंस है तो मतलब अगर मुझे फर्स्ट टर्म से इस सेकेंड टर्म तक जाना है तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं हम कॉमन डिफरेंस को एड कर रहे हैं है कि नहीं तो मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म तो मेरा ए है सेकेंड टर्म यहां तक जाने के लिए मैं क्या कर रही हूं ए में क्या कर रही हूं एक कॉमन डिफरेंस जो है अपना एड कर रही हूं ठीक है तो यहां पर मैं लिख देती हूँ ए मेरा वन है तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ वन प्लस टू कर रही हूँ आगे चलते हैं अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है तो मुझे अगर ए को यहीं पे रखना है तो मैं क्या करूंगी वन प्लस टू प्लस टू ऐसा करेंगे तो मुझे ए से अगर यहां पर जाना है तो मैं क्या करूंगी वन ये वन है ये टू का डिफरेंस ये टू का डिफरेंस वन में टू ऐड कर दिया टू ऐड कर दिया फाइव पे आ गए तो क्या यहां पे मैं लिख सकती हूं ए प्लस डी प्लस डी सिमिलरली नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस d प्लस क्योंकि d तो मेरा 2 है ना तो मैं 2 को d से लिख रही हूं तो अब मे, मेरे तरफ अब यहां पर देखो यहां ध्यान देना ये चीज मैं अब इरेज़ कर रही हूं आपके लिए यहां पर हो क्या रहा है देखो जो ये फर्स्ट टर्म थी इसको तो मैं a का a लिख रही हूं जो ये सेकंड टर्म थी इसको हमने लिखा a plus d ये थर्ड टर्म को ये d दो बार ऐड हुआ तो मैं यहां पे लिख सकती हूं a 2d ये फोर्थ टर्म में डी कितनी बार ऐड हुआ वन टू थ्री तो फोर्थ टर्म को लिखने के लिए I will write it a plus 3D. तो क्या अब आप या इस पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हो कि इसको हमने ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी क्या लिखा और एक और चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो वो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब मुझे फर्स्ट टर्म लिखना था तो ए था जब मुझे सेकेंड टर्म लिखना था तो d कितनी बार एड हो रहा है वन बार एड हो रहा है सिर्फ जब मुझे थर्ड टर्म लिखना था तो d कितनी बार हो रहा है है टाइम्स 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 ऐसे ही फोर्थ टर्म के लिए हाउ मेनी डिड वी d? Three times, ना तो एक कम बार d एड हो रहा है ठीक है तो ऐसे ही करते करते ऐसे ही करते करते अगर मैं बोलू आपको कि बच्चा मुझे बताओ कि जब मुझे एनथ टर्म लिखनी होगी तो कितनी बार डी एड होगा तो आप क्या बोलोगे सीधा सीधा मैम आपने बोला कि एक कम बार होता है ना डी एक कम होता है तो अगर मुझे टर्म लिखनी है तो एन में से एक बार कम एन में से एक बार कम मुझे डी को एड करना पड़ेगा तो ये मेरी बन जाएगी एनथ टर्म तो क्या आप ये चीज समझ चुके हो अब तक ये चीज समझ में आ चुकी है कि कैसे आपने टर्म्स को निकालना है ठीक है तो ये जनरल फॉर्म होती है जिसमें हम ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्लियर है आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज नाउ है ना तो ये क्लियर हो चुका है आपको ओके okay. तो आगे चलते हैं फिर हम आगे देखो आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है ए इक्वल टू फाइव एंड डीवल्स टू थ्री देन एपी विल बी ये अब आपने एपी कैसे निकालिया देखो आपको ए गिवन है ना पेन <coughs> चेंज करते हैं आपको ए गिवन था ए क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म है ना आपको ए गिवन था आपने फर्स्ट टर्म लिख दिया फाइव उसके बाद d गिवन था मतलब कॉमन डिफरेंस तो इसमें आप थ्री ऐड करोगे फर्स्ट टर्म में आप, आपने थ्री ऐड किया तो आपको एट मिल गया एट में थ्री ऐड किया इलेवन मिल गया इलेवन में थ्री ऐड किया 14 मिल गया आपने पूरी की, पूरी की एपी बना ली सिंपल है तो आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीआरटी की उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ये हैं आपको ढूंढना है आपको डी ढूंढना है, है आपको एपी बनानी है या आपको एपी गिवन होगी और आपको बताना होगा कि वो एपी है या नहीं ठीक है अब फिर से आपको ए सेवन दे रखा है तो फर्स्ट टर्म आपकी सेवन है आपने लिख दी डी माइनस टू है तो बस फर्स्ट टर्म में माइनस टू कर दो फिर इसमें कर 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 दो 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 इसमें इसमें फिर तो आपके पास ये पूरी की पूरी की बन गई क्लियर है देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन तो ये अब आप कर लोगे ना कुछ नहीं है इसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बचा लोग ए हमें टेन दे रखा है और डी हमें क्या दे रखा है टेन दे रखा है तो अगर आपने ए पी बनानी मैंने आपको क्या बताया 10, उसके बाद आप क्या करोगे ए होता है फिर ए प्लस डी करते हो फिर टेन प्लस टेन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा फिर टेन ऐड करोगे थर्टी आ जाएगा फिर फोर्टी आ जाएगा फिर फिफ्टी आ जाएगा एंड सो ऑन ये आपकी ए पी बन गई फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करो इसका एपी कैसे बनाओगे ए आपको फोर दे रखा है और डी आपको माइनस थ्री दे रखा है तो फोर से हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद डी को ऐड करते चलेंगे ना तो माइनस थ्री है तो फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा फिर उसके बाद वन माइनस थ्री करना है ठीक है तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा तो ऐसे ऐसे आप आगे करके एपी को बनाते रहोगे ठीक है जी तो यहाँ पे आपने क्या करना है फोर देखो ये कैसे आया टर्म ये वाला टर्म कैसे आया बेसिकली फोर माइनस थ्री करके ये वाला टर्म कैसे आएगा वन माइनस थ्री करके अगला टर्म यहां पर अगर आपको अगला टर्म ढूंढना है तो आप क्या करोगे माइनस टू में से माइनस थ्री कर दोगे तो माइनस फाइव आ जाएगा तो ऐसे आप बना लोगे सिमिलरली इसका भी बना लेना आगे हो जाएगा यस yes. <coughs> तो ये हमारी टर्म्स आ रही हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये फाइन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे इतना जरूरी नहीं है बट आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म है ये कॉमन डिफरेंस है उसके बाद सेकंड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म इक्वल्स टू सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस तो आप ये करके डायरेक्टली भी उसको दिखा सकते हो कि हाँ जी मेरे पास ये एपी बन गई ठीक है अब ये देखो फॉर द फॉलोइंग टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ये तो इजी है फर्स्ट टर्म तो होती है पहली टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना सिखाया था जो भी आपकी सक्सीडिंग टर्म है उसमें से प्रोसीडिंग को माइनस कर दो मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो तो अगर ये देखो तो ये तो आपने ए आइडेंटिफाई कर लिया होगा इसमें ए ये है इसमें ए ये फर्स्ट टर्म होता है ए है ना ये तो आपने कर लिया उसके बाद कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे बच्चा लोग कुछ नहीं करना पीछे वाले में से आगे वाली को माइनस कर दो तो मतलब ये वन में से थ्री को माइनस कर दो तो जैसे आपने वन में से थ्री को माइनस किया तो आपके पास माइनस टू आ गया पहली में कॉमन डिफरेंस समझ आया ठीक है उसके बाद यहां पर भी देख लो इसमें से इसको माइनस कर दो तो फाइव पॉइंट थ्री में से जब आपने वन पॉइंट थ्री माइनस किया तो आपके पास आ गया ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया ये फर्स्ट केस केस में में आ गया, में आ गया गया ये आप एपी की कोई भी दो टर्म्स उठा लो चाहे आप थर्टीन बाई थ्री माइनस नाइन बाई थ्री कर दो तब भी यही आएगा नाइन बाय थ्री माइनस फाइव बाई थ्री कर दो तब भी यही आएगा बट याद रखना नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है जी समझ में आ गया यस yes. तो ये देख लो ये हमारा माइनस टू एंड थ्री आया अगला कुछ क्वेश्चन आपको ये बन सकता है बच्चों, कि क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है तो वही करते हैं चेक वो कैसे करते हैं पिछली टर्म में से मैंने बोला इसमें से इसको माइनस करना है ना फोर माइनस टू क्या आया टू तो जब मैंने फोर माइनस टू किया तो मेरे पास क्या आया टू जब मैंने ये वाले में चेक करा कि क्या सेम डिफरेंस है तो एट माइनस जब मैंने फोर किया तो मेरे पास आया फोर और मैंने देखा यहां पर टू आ रहा है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फोर आ रहा है डिफरेंस तो सेम नहीं है तो मतलब दिस इज नॉट एंड एपी ये ए पी नहीं है समझ में आई बात ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ये इसको आपने चेक करना है वेदर दिस इज एन एपी और नॉट तो इसको कैसे चेक करोगे हमारे पास ये दे रखा है टू फाइव अपॉन टू थ्री सेवन अपॉन टू है ना हमने चेक करना है एपी है या नहीं हम फाइव अपॉन टू में से टू को माइनस कर देते हैं तो फाइव अपॉन टू में से जैसे मैंने टू को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया आप एलसीएम ले लो यहाँ फाइव माइनस फोर तो आपके पास आ रहा है वन बाय टू फिर मैंने इसमें से इसको माइनस किया मैंने चेक करना है कि एपी है कि नहीं तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए तो ये क्या आया जो तो 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 ये मेरे पास आ आ गया। so, yes, यहां पे मेरी है है, है। रहा मतलब एक बार इसमें से भी चेक करोगे तब भी वन बाय टू ही आएगा उसके बाद उसने बोला है ये हमने चेक कर लिया कि यस इट इज एन एपी एंड एट द टर्म्स इफ दे आर देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड एट थ्री मोर टर्म्स ठीक है तो अब क्या करना है अब हमें क्या करना है इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और अगली तीन टर्म्स और निकालनी तो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया वन बाय टू अब अगली तीन टर्म्स कैसे निकालोगे सेवन बाई टू पे हमने स्टॉप किया था देखो अब यहाँ पे हमने by पे यहां पर किया है ना, by last है ना तो इसमें बस हम डिफरेंस एड करते जाएंगे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा ये आ जाएगा एट अपॉन टू दैट इज फोर फोर इज माई नेक्स्ट टर्म उसके बाद फिर फोर में हम वन बाय टू एड कर देंगे जैसे फोर में वन बाय टू एड किया तो हमारे पास आ गया नाइन बाई टू ये नेक्स्ट टर्म है फिर अगली टर्म के लिए नाइन बाय टू में हम वन बाई टू एड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन बाई टू टेन बाई टू मतलब फाइव ये हमारी नेक्स्ट टर्म है हमने थ्री तीन आगे वाली टर्म्स निकालनी थी तो हमने निकाल ली ये वन टू थ्री फोर टर्म्स ऑलरेडी थी, थी हमारे पास ये मेरे पास आ गई फिफ्थ टर्म ये मेरे पास आ गई सिक्स टर्म ये मेरे पास आ गई सेवेंथ टर्म Clear है, है है है, तो तो ऐसे basic, basic से questions आपको आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये वाली के बाद जो वो आप पूरी की पूरी की कर लोगे, so, this is your homework question, बच्चा लोग इसको आपने देना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर की वेदर सीरीज आर इन एपी और नॉट तो इसके लिए आप यू विल चेक द डी अगर डी सेम है तो तो हो जाएगा ठीक है बच्चों तो एनसीआर टी का जो एक्सरसाइज वन है जो टोटली totally इस पे बेस्ड है तो वो आप कंप्लीट कर लेना अगर उसमें से कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है बच्चों तो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि 50 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है अभी भी सोच लो ले लो आई वुड रियली रियली सजेस्ट यू टू टेक दिस डिस्काउंट uh, you know, uh, पे जब मिल रहे कूपन कोड एडीके प्रो ये एडीके प्रो यूज करना नहीं भूलने का ओके सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन तो जाते जाते डू नॉट वेट टू लाइक द वीडियो शेयर विद यों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द चैनल बाय बाय टेक केयर बी सेफ मिलते हैं अगले सेशन में